पूरी इंग्लिश पार्ट 11 में हम लोग आ चुके हैं, यानी कि पार्ट 10 तक हो चुका है। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो जाओ पहले उसके पार्ट देखो, आपको वो सारे रूल सीखने को मिल जाएंगे। रूल हम वो सीखते हैं सीरीज में जो पूरी इंग्लिश में कभी बदलते नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो रूल आपको बताऊंगा वो याद रख लेना है कि पूरी इंग्लिश में वो कभी नहीं बदलेगा। तो एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, यू करने लग जाओगे, यू करने लग जाओगे, यू करने लग जाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग देखेंगे। लेट्स सी रूल हमारा क्या कहता है। प्रपोजिशन जानते हैं ना क्या होती है? प्रपोजिशन ऑन हो गया, एट हो गया, इन हो गया, ओवर हो गया, अराउंड हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? प्रपोजिशन है, जो पोजिशन को बताते हैं। याद आपको ये रखना है कि प्रपोजिशन आपको दिख गया, प्रपोजिशन दिख गया तो इसके बाद जो भी वर्ड लिखा होगा ना वो हमेशा क्या होगा? हमेशा वो ऑब्जेक्ट होता है। दिक्कत होती नहीं, ये नहीं पहचान पाते सब्जेक्ट कैसे पहचाना, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना। तो याद रखना है पूरी इंग्लिश में प्रपोजिशन दिया है, उसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है। यार सीख गए, सीख गए। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल सेंटेंस आपके सामने आ गए, सेंटेंस आपके सामने आ गए, पहले ये पहचान लो प्रपोजिशन कहां कहां है। हमने देखा यू के नॉट कोप विद कॉन्क्लूजन्स, प्रपोजिशन ये आ गया। द कंपनीज इन्वेस्टेड फॉर देयर एम्प्लॉइज, फॉर आ गया। दे शोड इंटरेस्ट इन मी, इन आ गया। यहां पर पीपल स्टे अवे फ्रॉम पेसिमिस्ट, यहां पर फ्रॉम आ गया। आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर आ गया। आई वेंट टू माई अंकल्स प्लेस, यहां पर टू आ गया। प्रपोजिशन के बाद जो आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। लेट्स सी फाइंड आउट। विद दिया है ये प्रपोजिशन, आगे क्या आया? कॉन्क्लूजन्स आ गया। क्या हो गया भैया? ऑब्जेक्ट हो गया, काम खत्म। द कंपनी इज इन्वेस्टेड फॉर देयर एम्प्लॉइज हो गया, यानी देयर एम्प्लॉइज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, काम खत्म। दे शोड इंटरेस्ट इन मी, इन दिया हुआ है, इन प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन के बाद मी आ गया, मी क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, अब नहीं बोलूंगा, काम खत्म। ऑब्जेक्ट आ गया, यहां आगे आ गए हम। पीपल स्टे अवे फ्रॉम पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट भी दिया है जो कि आपका ऑब्जेक्ट आ गया। यहां आ गए, लिखा है आई वेंट टू माई अंकल्स प्लेस, टू दिया है, टू के बाद दिया माई अंकल्स प्लेस, जो कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। कोने में ये छुपा हुआ है आफ्टर, आफ्टर के बाद कंप्लीटिंग दिया, आफ्टर भी तो प्रपोजिशन है, आफ्टर भी तो प्रपोजिशन, और आफ्टर के बाद दिया यहां पर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन में ये कंप्लीटिंग दिया, कंप्लीटिंग क्या है? ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से ऑब्जेक्ट बना है। कितने लोगों को ये नहीं पता है, कितने लोगों को ये नहीं पता है मुझे बताएंगे, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सीख के मजा आ गया, अच्छा ये भी ऑब्जेक्ट है, हम पहचान लिए, अच्छा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नहीं पता तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है, तो अगला पार्ट में उस पर लेकर आऊंगा ताकि वो भी आप बहुत अच्छे से सीख जाएं। अच्छा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कर दो, शेयर कर दो, सबके साथ शेयर करना है। लिखना है इंग्लिश बाय विशाल सर, फेसबुक पर शेयर कर दो, व्हाट्सएप पर शेयर कर दो। अगले पार्ट में जरूर मिलूंगा, लेकिन अगले पार्ट में पढ़ाना क्या है मुझे आप डिसाइड करेंगे। जरा लिखना कॉमेंट बॉक्स में, जिस पर ज्यादा कॉमेंट आएंगे वो वीडियो बनाऊंगा। तब तक के बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।